रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए हरी मिर्चों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो दही के साथ बनेगी, बहुत चटपटी और बहुत मज़ेदार बनती है। जिसके लिए हमें ये इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। पाव हरी मिर्च ली, धोकर साफ़ सुथरी करके सुखा कर हमने दरमियान से इसके दो टुकड़े कर लिए। सारी हरी मिर्चें दरमियान से काट लिए। आधा पाव दही, वन टेबल स्पून साबुत धनिया, टू टेबल स्पून सौंफ जिसको हमने मोटा मोटा पीस लिया है, वन टी स्पून कलौंजी, वन टी स्पून राई दाना, वन टी स्पून ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, वन टी स्पून हल्दी पाउडर, वन टी स्पून आमचूर पाउडर, आधी प्याली ऑयल, प्याली तेल डाला है। जो गरम हो जाएगा तो हम इसमें ये मसाले डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि तेल में इसकी खुशबू आ जाए। हमारे ये धनिया वगैरह भून चुका है, अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। और फ्लेम आहिस्ता कर देंगे वरना इसके बीज उड़ेंगे। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे। लीवर इस को 5 सेकंड के लिए ढक देंगे ताकि इसके बीज ना उड़ें। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक भी लिया है, आप नमक हसबे ज़रूरत लें। इसको मिक्स करेंगे। और इसमें ये सौंफ और मोटा कुटा हुआ धनिया भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ताकि मसाला मिर्चों में जज्ब हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सौंफ और धनिए की। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि ये गल जाएं। फ्लेम लो ही रहे, थोड़ा सा डालेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मिर्चें गल जाएं। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। हमारी हरी मिर्चें तकरीबन मसाला मिक्स हो चुका है और तैयार है। अब हम इसमें और बाकी मसाले डालेंगे। हम इसमें एक नींबू का रस भी डालेंगे। इसमें हमने दही भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। इसको खोल कर देखते हैं। वाह, मिर्चें बिल्कुल तैयार हैं। हमारी दही वाली चटखारेदार मिर्चें तैयार हैं। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, हमारी चटपटी चटखारेदार दही वाली मिर्चें तैयार हैं। आप भी ज़रूर बनाएं, ये बहुत लजीज बनती हैं, बहुत मज़ेदार बनती हैं। आप जिसको भी खिलाएंगी वो वाह वाह करेगा। घर में ये सबको ही पसंद आएंगी, बहुत ही अच्छी डिश बनी है, आप ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।